सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13, जो कि है हमारा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायो के नीट एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज के इस वीडियो में हम यही कवर अप करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर लिम्स, दिस इज कॉल्ड एज डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन्स रूल। एलन्स रूल ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि क्या होता है। तो एलन्स रूल होता है, एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर लिम्स, दिस इज नोन एज एलन्स रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिजिकल पोजिशन एंड फंक्शनल रूल ऑफ अ स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी इज नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा नीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माइकोराइजा। तो माइकोराइजा आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि क्या होता है, बार बार बताया हुआ है मैंने। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन इन विच वन पार्टनर इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड न्यूट्रल इज नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा कमेंसलिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज, तो इसका आंसर हो जाएगा dN/dt इज इक्वल्स टू RN। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिविजुअल्स ऑफ वन काइंड एग्जांपल वन स्पीसीज ऑक्यूपाइंग अ पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया एट अ गिवन टाइम फॉर्म ए और एन पॉपुलेशन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीच ओवरलैप इंडिकेट्स डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा नीच ओवरलैप इंडिकेट्स शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन टू स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है, अमेंसालिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज वेयर डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेंसालिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज वेयर वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। अगला क्वेश्चन है, अ पॉपुलेशन हैज़ मोर यंग इंडिविजुअल्स कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल्स, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सेम ईयर्स। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट विल इंक्रीज। सो आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों आप लोगों को क्वेश्चन कवर अप करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टॉप 15 क्वेश्चन है, एंड इसीलिए मैं आप लोगों का जल्दी जल्दी कवर अप करा रही हूँ, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही लेंदी हो जाता है, फिर आपका भी देखने का मन नहीं करता है और समझ में भी कुछ नहीं आता है। सो इसका आंसर अब हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले, द व्हाट पैरामीटर्स आर यूज फॉर टाइगर सेंसर्स इन आवर कंट्रीज नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पग मार्क्स एंड फेशियल पैलेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरीथर्मल। अगला क्वेश्चन है, द सैलिनिटी मेजर्ड इन पार्ट्स पर 1000 इज द सी इज, तो 30-35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा नेटैलिटी। नेटैलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है, इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व द फाइनल फेज इज, तो इसका आंसर हो जाएगा असिम्पोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश फिश ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, तो पैसिफिक सैल्मन जो होती है अपनी ज़िंदगी में केवल एक ही बार रिप्रोड्यूस कर सकती है। ऑलराइट, तो आज के इस वीडियो में हमने कवर अप करा है बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13, जो कि है हमारा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, एंड होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा, एंड अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन में डाउट अगर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।